हेलो दोस्तों, सेंधा नमक ये शब्द आपने सुना होगा। हम लोग अक्सर उपवास में इसका इस्तेमाल करते हैं। आप जानते हैं सेंधा नमक बकरे बकरियों के लिए भी एक वरदान है। आज सेंधा नमक को हम लाहौरी नमक, सेंधवा नमक, सिंधी नमक के नाम से भी जानते हैं। जानवरों में इसका बहुत प्रयोग होता है। गाय भैंस के से जुड़े हुए लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन जो बकरियों का पालन कर रहे हैं शायद उनमें इसका इस्तेमाल कम ही देखा गया है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि सेंधा नमक है क्या, उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसके इस्तेमाल करने से फ़ायदा क्या क्या होने वाला है। तो चलो दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, सेंधा नमक एक प्रकार का प्राकृतिक नमक होता है जिसमें सबसे अधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। इसके अलावा इसमें आयरन, जस्ता, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, क्रोमियम, स्ट्रॉडियम और बहुत अच्छी मात्रा में आयोडीन पाया जाता है। अब जानते हैं कि इसके इस्तेमाल के फ़ायदे क्या क्या हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा है कि बकरे बकरियों में मिनरल्स की जो कमी होती है, यानी मिनरल्स बोलने से खनिज तत्वों की जो कमी होती है, वो इसको ये पूरा करता है। ये बहुत अच्छा पाचक पदार्थ होता है, इसलिए जो जानवर या जो बकरे बकरियां इसे खाते हैं वो अपना खाया हुआ पदार्थ पूरी अच्छे तरीके से पचा लेते हैं। चूँकि अच्छे से खाना पचा लेते हैं इसलिए उनको प्रॉपर समय पर भूख लगती है। अच्छी डाइट लेने से उनका ग्रोथ भी बढ़ता है। क्योंकि ये बहुत एक अच्छा पाचक पदार्थ होता है, इसलिए बकरे बकरियों में जो आने वाला पेट फूलने की समस्या है या आफरा की जो समस्या है उसको ये काफ़ी हद तक रोक सकता है। आफरा या पेट दर्द, पेट फूलने से बकरी पालकों को अक्सर बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। बकरियों के लिए अस्थमा, सर्दी हो जाना एक जानलेवा बीमारी होती है, तो अस्थमा से या साइनस से इसके उपयोग को रोका जा सकता है। बकरे बकरियां चलने की बहुत आदि रहती हैं, इसलिए उनके जोड़ों में दर्द भी कई बार हो जाता है, बॉडी पेन होता है। तो इसके इस्तेमाल से बॉडी पेन में, जोड़ों के दर्द में भी बहुत फ़ायदा होता है, बहुत उन्हें तकलीफ़ से राहत मिलती है। दूसरी बात यह है कि जानवरों में स्ट्रेस कम कर देता है ये। आप सोच रहे होंगे बकरियों में कैसा स्ट्रेस होता है, उनमें भी जैसे वो बहुत समय तक किसी गंदे कमरे में बंद हों, अचानक लंबी यात्रा करें, अचानक उनका वातावरण चेंज हो जाए, तो वो भी स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। इसके सेवन से स्ट्रेस के लेवल पे कमी आती है। अभी जब चूँकि गर्मी का समय चल रहा है तो किसी भी जीव पे बहुत आसानी से पानी और नमक की कमी शरीर पे हो जाती है, जिसे डिहाइड्रेशन कहा जा सकता है, लैक ऑफ मिनरल्स कहा जा सकता है। तो ऐसे कंडीशन में सेंधा नमक उनके लिए बहुत अच्छा होता है। सेंधा नमक के सेवन से उनके बॉडी में मिनरल्स बने रहते हैं और उससे उनका ब्लड प्रेशर भी बहुत काबू में रहता है। अक्सर देखा गया है कि बड़े बकरे जब ज़्यादा बहुत ज़्यादा चलने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा चलते हैं, रोमिंग उनकी ज़्यादा हो जाती है, तो उनका बीपी डाउन हो जाता है, कमज़ोर होने लगते हैं और वो कई बार एक ही जगह घूमने लगते हैं क्योंकि चक्कर आने लगता है। तो इस तरह की समस्या से बचने के लिए हमको सेंधा नमक का उपयोग करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि इसको इस्तेमाल कैसे करें। इसका बहुत छोटा सा तरीका होता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये एक्चुअल में कुछ ऐसा इस तरह के ईंट की सामान मिलता है, गोले के समान। इसे हम किसी प्लास्टिक की जाली में बांध कर टंगा देने चाहिए, तो वो बकरियाँ अपने लिए अपने आवश्यकता के हिसाब से इसे चाटते रहेंगी और इस्तेमाल होते रहेगा। कई लोग इसे ज़मीन में रख देते हैं, धमेला एक आता है उस पर रखते हैं, वो ठीक तरीका नहीं होता। उससे क्या होता है, वो नमक भी दूषित हो जाता है। कई बार बकरे इसे पूरा निगल जाती हैं, तो उस तरह के इस्तेमाल से बचना चाहिए। प्लास्टिक की जाली का आप इस्तेमाल करें, क्योंकि प्लास्टिक की जाली में किसी प्रकार का जंग नहीं लगेगा, और लोहे का अगर इस्तेमाल करते हैं, लोहे की जाली का, तो उसमें जंग लग जाएगा और चाटते समय वो जानवर के जीभ को नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसलिए प्लास्टिक की जाली का इस्तेमाल करें। कहीं कोने में तीन चार, एक फार्म में आप तीन चार जगह टंगा दें जहाँ बकरे आप रखते हैं, ये अपने आवश्यकता अनुसार इसका इस्तेमाल कर लेती हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो आपका काम का लगा होगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो काम का है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू वाली बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरा जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।